नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आगे के वीडियो में आपको डार्निंग फूट का डेमो दिखाया था, आज हम आपको बताने वाले गैदरिंग फूट। गैदरिंग फूट जो है उससे आप कपड़े में चुनर गिरा पाएंगे। गैदरिंग फूट ये, इसको शेयरिंग फूट भी बोला जाता है, और ये गैदरिंग फूट आज हम आपको उस ये गैदरिंग फूट का डेमो बताएंगे। सबसे पहले ये जो गैदरिंग फूट है हम ले लेते हैं। ये जो गैदरिंग फूट है यहाँ से ये स्क्रू में टाइट होगा, और ये जो खाँचा दिया गया है ये खाँचा इसके लिए है कि आप गैदरिंग के साथ में कोई कपड़ा भी अटैच कोई कपड़ा भी आप उसको अटैच कर पाएंगे। इसके लिए इसके नीचे से कपड़ा आप पसार करते ही वो गैदर हो जाएगा, चुनर बन जाएगा, और वो उसका लुक आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। अब हम ये आपको गैदरिंग फूट जो है वो मशीन में लगा के बताएंगे, तो हमारा वीडियो आप देखते रहिए। ये जो वीडियो हमने गैदरिंग फूट के लिए बनाया हुआ है, इसको शेयरिंग फूट भी बोलते हैं और गैदर फूट भी बोलते हैं, तो अब ये हम आपको मशीन में लगा के बताएंगे। अब ये फूट हम आपको ये मशीन में लगा के बताएंगे कैसे लगाना है वो देख लीजिए। पहले जो आपका जिगजैग का फूट है वो स्क्रू से निकाल दीजिए। ये फूट अभी आप लगा दीजिए। और स्क्रू टाइट कर दीजिए। अब हम आपको ये पट्टी को गैदरिंग करके बताएंगे। उसके लिए आपको टेंशन का सेटिंग करना है, इसको आप 9 पे ले लीजिए। सिलेक्टर को ए पे रखिए, और लेंथ आपको रखनी है 2 के ऊपर। अब हम आपको गैदरिंग करके बताते हैं। ये देखिए आपका ये गैदर हो गया है। अगर आप टेंशन कम रखते हैं तो ये गैदर कम होती है, और टेंशन ज़्यादा रखोगे तो आपको इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी। अब हम आपको उसके साथ में एक कपड़ा भी अटैच करके बताते हैं। ये आपने ये पट्टी रख दी, इसके साथ में आप एक दूसरा कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं। वो कपड़ा आपको ये प्रेशर फूट के खाँचे से पसार करना है। ये जो कट दी गई है उसमें से कपड़ा पसार होगा, नीचे गैदरिंग होगा और नीचे ऊपर कपड़े में सिलाई लगेगी। आपको 2 कपड़े एक सरी के पकड़ के रखने हैं। प्रेशर दबाने पर ये देखिए हम आपको सैंपल बताते हैं।
ये नीचे से गेदर हुआ है और ऊपर की साइड पे आपके कपड़े पे सिलाई आ गई है, इससे आप कोई भी कपड़ा भी गेदर के साथ अटैच कर सकते हो। ये हमने उषा एल्यूर मशीन में आपको गैदरिंग कैसे होता है वो बताया है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इससे हम आपके लिए दूसरे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।